नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं इसी शहर मुंबई की खबर से। देश का सबसे अमीर शहर है और महाराष्ट्र के आखिरी यानी कि पांचवें चरण में चुनाव यहां पर होने हैं, यानी कि 20 मई को, जिसके लिए अब नामांकन दाखिल होने शुरू हो चुके हैं। उद्धव गुट के अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई सीट से और दक्षिण मध्य सीट से अनिल देसाई ने अपना पर्चा भरा। महायुति के किस कैंडिडेट से इनकी हो रही है टक्कर और क्या है इन सीटों पर चुनावी माहौल, पारस धामा की मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए। कभी जो साथ थे वो अब आमने सामने हैं। दक्षिण मुंबई से मैदान में उतरे मौजूदा सांसद अरविंद सावंत को अपनी चुनौतियों का एहसास है। पिछली बार ये सीट उन्होंने बीजेपी शिवसेना के तालमेल के बीच जीती थी। इस बार बीजेपी अलग है और सेना टूटी हुई। वे उद्धव गुट में बने रहे और उनका दावा है कि वो जीत रहे हैं। हालांकि अभी तक महायुति ने उनके मुकाबले उम्मीदवार तय नहीं किया है। देश में महाविकास आघाड़ी बनाने की जो नींव है ना, वो महाराष्ट्र डालेगी। अब लग रहा है बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, नहीं कोई टूटा, सभी साथ में है और हमने बता दिया है। और सबसे पहले गठबंधन हुआ, आघाड़ी हुई, सबसे पहले हमारे सीटों का बंटवारा हुआ, उनका आज भी नहीं हुआ है, तय नहीं है कौन किधर है, पता नहीं है और आगे चलकर क्या होगा, सारे बुरे सपने उनको दिख रहे आज ही, तो उसमें से क्यों मैं चिंता करूँ, जो उनकी चिंता है मुझे क्या उससे परवाह है। मुझे आदरणीय उद्धव साहब ने सम्मानित किया है तीसरी बार मुझे प्रत्याशी बनाकर, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अरविंद सावंत एक तरफ हैं तो राहुल शेवाले दूसरी तरफ, वो शिवसेना शिंदे गुट के साथ हैं। दक्षिण मध्य मुंबई के सांसद रहे, 2014 और 2019 में यहीं से जीते। चुनौती उनकी वही है जो अरविंद सावंत की है। उनके नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। आव्हान नाही, ती नकली शिवसेना, ही असली शिवसेना आहे आणि आज कळून चुकलं हा नकली चेहरा आहे, खरा चेहरा काँग्रेसचा चेहरा आहे। अनिल देसाई वाली शिवसेना नकली शिवसेना आहे, आज हमें पता चल गया है कि इसके पीछे असली चेहरा काँग्रेस का है। काँग्रेस के दर से शिवसेना यूबीटी सावरकर स्मारक पर उनके पैर पड़ने भी नहीं गए, कारण हा मतदार संघ हा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा मतदार संघ, हा परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार संघ, हा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचारांचा मतदार संघ। राहुल शेवाले का मुकाबला अनिल देसाई से है। अनिल देसाई फिलहाल राज्यसभा सांसद है। शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उनके नामांकन के वक्त आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे, हालांकि इस सीट पर कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ भी दावा कर रही थी। देसाई का कहना है कि पार्टी के साथ हुए छल का जवाब जनता देगी। आज अच्छा शुभ दिन है, आपने पहले हमको जो बेस्ट विशेष दी हैं उसके लिए धन्यवाद। बाकी जो बातें आप कर रहे हैं वो पुरानी हो गई। महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस का बहुत अच्छे से सब चल रहा है। लोगों को ये पूरा पता है कि जो एक अच्छे रीत से महाविकास आघाड़ी काम कर रही थी महाराष्ट्र में और उसका नेतृत्व उद्धव जी मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे थे, उसको किस तरह से छल कपट करके इसमें पार्टियां फोड़कर जो करना था वो बीजेपी ने कर लिया। वो 400 बार जो कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, उन्हीं का जो पूरा वातावरण है वो आप देख लीजिए कि कैसे कॉन्फिडेंस में उनके हिल रहे हैं वो खुद। दोनों गुट फिलहाल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बिल्कुल उलट पुलट गए समीकरण में कौन बाजी मारेगा ये बताना आसान नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर मुंबई में सेना बनाम सेना अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। ऐसे में दक्षिण मुंबई की सीट को लेकर महायुति में अभी भी पेच फंसा हुआ है। देखना ये होगा कि बची हुई सीटों पर महायुति किसको उम्मीदवार घोषित करती है और सेना बनाम सेना की लड़ाई में असली शिवसेना कौन सी, नकली शिवसेना कौन सी, उसका क्या नतीजा आता है। कैमरामैन संदेश बैकर के साथ पारस धामा, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। और अगली खबर भी माया नगरी मुंबई से ही है। देश का सबसे अमीर शहर है, यहाँ की महानगर पालिका भी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मुंबई शहर में भी एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट में ये इलाका आता है, गुराई नाम है, बोरीवली क्षेत्र में आता है जो कि उत्तर मुंबई सीट का हिस्सा है। और यहाँ पर किस तरह से लोगों ने अब तय किया है कि जब तक इनके पास पानी नहीं पहुँचेगा ये वोट नहीं डालेंगे। एनडीटीवी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
जब तक हम लोग को पानी नहीं आ रहा है तब तक हम लोग इलेक्शन के बारे में कोई सोचेंगे नहीं। पानी नहीं तो क्या फायदा उनको वोट देकर? पानी उधर भी नहीं मिलता हमको, क्या करेगा? पानी मिलेगा तो वोट करेगा, नहीं फायदा क्या वोट करके? पानी नहीं तो वोट नहीं करेगा हम। देश के सबसे अमीर माने जाने वाले शहर मुंबई की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। बोरीवली के गोराई गांव में मछुआरों और किसानों की अच्छी खासी आबादी है। यहां करीब 6000 परिवार रहते हैं, लेकिन सभी आजकल बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। कहते हैं कि जब तक पानी नहीं तब तक वोट नहीं डालेंगे। तो गोराई विलेज में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और ये लोअर कोलीवड़ा इलाका है। करीब 2000 कोली परिवार यहाँ पर रहते हैं। कितना प्रॉब्लम होता है हमको मालूम है? पानी नहीं मिलता है, इधर से पानी लेना पड़ता है हमको, पानी उधर भी नहीं मिलता हमको, क्या करेंगे? ऐसा ही मरने मरेगा पानी नहीं तो हम भी वोट नहीं करेंगे। वोट कैसा करेगा? पानी नहीं तो वोट नहीं करेगा हम। टैंकर का पानी इतने पब्लिक को टैंकर का पानी कैसा पूरेंगे? हम लोग क्या बाहर से आएंगे टैंकर का पानी पियेंगे पूरा साल? क्या झोपड़पट्टी है ये क्या? पूरा ये टैंकर का पानी पियेंगे? बम्बई में डेवलपमेंट हुआ है ना, ये गोराई गाँव बम्बई में डेवलपमेंट हुआ बम्बई का, तो इसमें बम्बई के जैसा क्या सुविधा दे रहे हैं? इधर बम्बई में पानी नहीं है, ये देखो ये कैन है ना, ये बच्चे लोग का टाइम है पानी भरने का, ये कैन से छोटे 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 बच्चों का ये कैन से बच्चे लोग खंधे पे पानी बावड़ी पे से पानी लेके आते, तालाब पे से पानी लेके आते, कैन लेके जाके अभी देखो कैन निकाले ये लोग जाएंगे सब पानी लाने। फायदा नहीं है हमको नल होते हुए भी, पानी नहीं तो क्या करेंगे? नल है लेकिन पानी नहीं, पानी नहीं है, हम लोग को बावड़ी भी जाना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, क्या करें? वोट मारने को आता है, वोट करता है कोई, वोट काहे को दे इनको? वोट नहीं करेंगे इस बार आप? नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे, पानी नहीं तो क्या फायदा उनको वोट देकर? बोलते वोट दे हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। कोई नेता आप लोगों की सुनने आया है अब तक आप लोगों के? खाली वोट के टाइम में हाथ जोड़ के आता है, आपका सब समस्या दूर करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा बोल के जाता है। गोराई में 4 कुएं हैं, पानी तो है पर इस गंदे हाल में, जो पी ले उसे बीमारी का खतरा है। मैं 10 साल में 5 बार ऑपरेशन किया है किडनी स्टोन का, और अभी जो रिसेंटली हो गया 6 महीना पहले, तो उसमें मेरे को लगता था मैं तो सर्वाइव नहीं होंगे। बीएमसी के टैंकर आते तो हैं, लेकिन मुश्किल से 15 से 16 परिवार ही पानी भर पाते हैं, बाकी परिवार महंगे प्राइवेट टैंकरों और बाजार में बिकने वाली पानी की बोतलों पर निर्भर है। सरकार को बोलो पानी नहीं देगा तो वोट किसको भी नहीं देगा। हम लोग बॉटल का पानी खरीदते हैं, कभी 500 रुपए का 1000 लीटर का टैंकर मंगाते हैं हम लोग प्राइवेटली, और अभी खाली बीएमसी से आया हम लोग का, अभी जब तब आता है दो तीन तीन दिन चार चार दिन के बाद ऐसा आता है हम लोग का बीएमसी का पानी। समझना मंगता ना उन लोग को भी कि पानी का प्रॉब्लम है, हम पानी नहीं पियेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे वोट देने के लिए? पानी नहीं रहेगा क्या वोट करने का? किसी को वोट करने का नहीं, पानी मिलेगा तो वोट करेगा, नहीं फायदा क्या वोट करके? इधर कुछ भी नहीं, मैदान नहीं खेलने के लिए कुछ भी नहीं, इधर क्या फायदा इधर वोट करके? ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि आर्थिक राजधानी ये मुंबई है, बीएमसी के अंतर्गत ये इलाका आता है और सबसे अमीर महानगर पालिका आप भी जानते हैं, लेकिन मुंबई में भी ऐसी एक जगह है जहाँ पर इन लोगों की अगर हम माने तो आज नहीं बल्कि कई सालों से ये समस्या है, करीब 8 सालों से, और पीने के पानी की बड़ी समस्या बीते 2 सालों से ये झेल रहे हैं। और 2 सालों में आप लोगों ने कितनी बार खत लिखा, अप्रोच करने की कोशिश की बीएमसी को? बहुत किया, बहुत मोर्चे भी लिखे गया। बिगड़े हालात में गोराई निवासी गोराई विलेज वेलफेयर एसोसिएशन बनाने पर मजबूर हुए, पानी के लिए बीएमसी से लेकर नेताओं तक को चिट्ठी लिख चुके हैं। हम लोग मुंबई में रह के भी, हम लोग इंडिजिनियस लोग हैं इधर के मुंबई के, फिर भी हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग सेकेंड क्लास सिटीजन है। बीएमसी प्रशासन रहे या कोई पॉलिटिकल मंत्री रहे, किसका भी हम पर ध्यान नहीं है। अभी ये जो शेपाली का एरिया है, यहाँ 25 सालों से पाइपलाइन लगी हुई है, पर आज तक वो पाइपलाइन में एक बूंद भी पानी नहीं आया है। 3 दिन पहले जो मीटिंग हो गया तो हम लोग को बीएमसी ऑफिशियल्स ने क्या बताया कि हम लोग प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रेशर बढ़ाया तो पानी आया, कहने का मतलब है कर सकते हैं वो लोग। अच्छा, तो सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए कर रहे हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं है। पानी के लिए तो पानी आप खुद देख सकते हैं कुएं की हालत क्या है, तो और पीने लायक तो पानी नहीं है। पानी नहीं तो है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है इसका? अभी ये वॉशिंग या तो स्क्रबिंग के लिए यूज कर रहे हैं, क्या करेंगे? खरीद के लिए क्या थे, वो भी दिन का हमारा खर्चा बोलेगा तो हम लोग कम से कम 400-500 रुपए दिन का खर्चा है पानी के लिए।
इस वार्ड के बीएमसी अधिकारी ने बिना कैमरे पर आए एनडीटीवी को बताया कि एक साल पहले प्रस्तावित इस सक्शन टैंक परियोजना को जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे पानी की समस्या गोराई में दूर होगी। वैसे साइट की तस्वीर देखें तो लगता नहीं कि ये काम जल्द पूरा होगा, यानी फौरन राहत मिलने के आसार बहुत कम है। मुंबई शहर बारिश के पानी पर निर्भर होता है। 7 झीलें पानी सप्लाई करती है मुंबई शहर को, और इस बार संकट बड़ा है क्योंकि 27% से भी कम पानी का स्टॉक इसमें बताया जा रहा है, इन झीलों में। ऐसे में मरम्मत के नाम पर कई जगहों पर पानी की कटौती भी शुरू हो चुकी है। लेकिन गोराई इलाके में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि समस्या आज की नहीं 8 से 10 साल पुरानी है, और पीने के पानी की समस्या बीते 4 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बीते 10 सालों में देखें तो बीजेपी यहाँ पर बनी हुई है, और बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट ये मानी जाती है। इस बार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मैदान में है, लेकिन गांव वाले तय कर चुके हैं कि जब तक इनकी पानी की समस्या खत्म नहीं होती, ये किसी भी नेता को वोट नहीं करेंगे। आरोप लगा रहे हैं गांव वाले कि हाल के दिनों में गोराई इलाके में कई ऐसे रिजॉर्ट, फार्म हाउस और होटल सामने आए हैं, जहां पर अवैध तरीके से पानी पहुंचाया जा रहा है, और गांव वाले बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो पानी नहीं इसलिए वोट नहीं, ये आंदोलन गोराई इलाके में शुरू है। गोराई से कैमरा पर्सन जीतू वाघमारे के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और अरविंद केजरीवाल के करीबी युवा नेता राघव चड्ढा आखिर हैं कहां? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान जेल में हैं। पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, और ऐसे में ये बड़ा नाम आखिर कहां है, सवाल पूछे जा रहे हैं। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। राघव चड्ढा कहां हैं? जवाब जानने के लिए हम सबसे पहले आप सांसद के एक्स अकाउंट पर जाते हैं। राघव चड्ढा ने 8 मार्च को सुबह महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी, जबकि शाम को उन्होंने नमस्ते इंग्लैंड कहते हुए बताया कि 9 मार्च को लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कार्यक्रम में बोलेंगे। 10 मार्च को राघव चड्ढा ने इस कार्यक्रम के दौरान ली गई अपनी तस्वीर भी पोस्ट की, यानी राघव चड्ढा तभी से लंदन में हैं। इसके बाद राघव चड्ढा भारत नहीं आए, खबर आई कि वो आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में रुके हैं। 21 मार्च की रात को जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो राघव चड्ढा ने वीडियो जारी किया। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। इसके बाद खबर आई कि उनकी आंखों की सर्जरी हो चुकी है, लेकिन ना राघव आए ना उनकी कोई खबर। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जैसे सबसे अहम मौके पर आपका स्टार प्रचारक कहां है? केजरीवाल जेल में है, पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो आपका बेहद मशहूर नाम कहां है? सर्जरी हो चुकी है तो देश क्यों नहीं लौटे? इस बीच पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने राघव चड्ढा के खिलाफ गलत खबर फैलाने के आरोप में एक YouTube चैनल पर FIR दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के लुधियाना के लोकसभा उम्मीदवार के बेटे ने शिकायत दर्ज की थी कि ये चैनल राघव चड्ढा की तुलना भगोड़े विजय माल्या से कर रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राघव चड्ढा अभी लंदन में ही हैं, उनकी आंखों की सर्जरी हो चुकी है, पोस्ट सर्जरी कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आए थे जिसकी वजह से वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, और वो बहुत जल्द भारत लौटेंगे। वैसे राघव चड्ढा जब तक भारत नहीं लौटेंगे तब तक उनको लेके बहुत सारी अटकलें यूं ही लगती रहेंगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। सख्त हालातों में जी रहे 12 साल के एक बच्चे की मिसाल पेश करती दिलचस्प कहानी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ।